शेरशाह सूरी ने भारत में क्या किया था, जीटी रोड बनवाया था। और अशोक को राजमार्ग का क्या कहते हैं, जनक, राजमार्ग का जनक अशोक। अब यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। अब दिल्ली में सबको जाना है, पॉलिटिशियन से लेके इंटरनेशनल रिलेशन से इंडस्ट्री, सारा चीज़ है यहाँ पे। और बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले को कहाँ जाना है, मुंबई। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम वाले को कहाँ जाना है, बेंगलोर, बेंगलोर है यहाँ पे। बाकी साउथ में चेन्नई भी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ लगता है लेकिन वो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है। कोलकाता इस एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी दिल्ली, किसकी, दिल्ली। तो यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 1 अमृतसर चला गया। नेशनल हाईवे नंबर 1 कहाँ चला गया, अमृतसर। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग। दिल्ली अमृतसर हाईवे का नाम शेरशाह सूरी मार्ग। ये NH-1, यहाँ से श्रीनगर जाता है 1A, श्रीनगर जाता है 1A। बताइए, नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से 1A, अमृतसर से श्रीनगर। कारगिल की लड़ाई में ये हाईवे को काट दिया था सब, ये हाईवे पे बम गिरा रहा था सब, कारगिल की लड़ाई में। किस हाईवे पे है, 1A, नेशनल हाईवे नंबर 1A। और उधर सप्लाई कट गया था हम लोग का कारगिल की लड़ाई में। परवेज मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख थे वहां पर। आगे बढ़े, ये है कोलकाता, कौन सा है, कोलकाता से दिल्ली तक NH-2, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली अमृतसर 1, बोलिए NH नहीं 1, अमृतसर श्रीनगर 1A, NH नहीं 1A, 1 याद रहेगा, दरोगा कोई दिक्कत। आगे बढ़े, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, अमृतसर दिल्ली, अमृतसर श्रीनगर 1A। अब देखिए बाबू, इधर ध्यान समझिए, ये मुंबई है। सबसे हैवी ट्रैफिक अगर कहीं देखा जाता है तो दिल्ली और मुंबई के बीच में। इतना भयानक ट्रैफिक इंडिया में और कहीं नहीं होता, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ आगरा से एक सड़क बनाया गया, कहाँ के लिए, मुंबई के लिए, NH-3। क्या बनाया गया, NH-3। अब मुंबई से चेन्नई बनाया गया NH-4, NH-4। और चेन्नई से कोलकाता बनाया गया NH-5। और कोलकाता से मुंबई बनाया गया 6। पूरा जलेबी छान दिया आदमी, 3, 4, 5, 6 नहीं हो गया। बताइए तो ध्यान से, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, याद रहेगा 6 नंबर यहाँ पे। अब वाराणसी से मुंबई तक जाती है यहाँ से 7 नंबर, कौन सा, 7। अब यहाँ मान के चलिए किसी को जाना है तो यहाँ से ये वाला हाईवे से यहाँ है और यहाँ से चला जा सकता है। NH नंबर कितना हो जाएगा, 7। अरे वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी कन्याकुमारी। अब देखिए, दिल्ली मुंबई के बीच में इतना भयानक ट्रैफिक कंजम्पशन है कि एक और दिल्ली मुंबई में हाईवे बनाया गया NH-8। क्या बनाया गया, दोनों हाईवे मिलकर, अगर आप में से कोई NH-8 पे गया है दिल्ली, मतलब जयपुर के आसपास में, बहुत कम 2-3 लोग, कितना ट्रक मिला होगा रास्ते में, खाली ट्रक वे चलवे करता है। मतलब आप जीवन में जितना ट्रक देखे होंगे वो रास्तों में उतना भर देख लेंगे। यहाँ पे केवल ट्रक भरा रहता है, केवल ट्रक, क्योंकि राजस्थान खनन वाला एरिया, वहाँ कोनो संगमरमर लदले, कोनो ग्रेनाइट, कोनो पत्थर, ये सब लादा हुआ है। दूसरा, मुंबई से जितने विदेशी जहाज आते हैं, कंटेनर वगैरह, वो कहाँ डंप होंगे, मुंबई। अब मुंबई में 2 बड़े बंदरगाह, एक नावा सिवा है, एक मुंबई है। अब वो इसी सड़क के होते हुए कहाँ जाएंगे, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी मंडी है। वहाँ से इतने रास्ते में ट्रक मिलेंगे, इतना ट्रक कि आपको, मतलब आदमी कैसे चलता है उस तरह से ट्रक चलेंगे सब। इस हाईवे पे ट्रक वालों का कह सकते हैं कि कब्जा है, बतियाते चलता है सब कोई ठू, एगो ट्रक वाला उन्ने, एगो इन्ने, बतियाते चले, चल ठीक है ना। अब पीछे से आप हॉर्न मारते रहे, डर लगता है गाड़ी लेके, गाड़ी वाले को तो फोचका की तरफ फोड़ देगा सब ट्रक वाला, इन्ने उन्हें मारेगा तो खत्म है कहानी, वो पूरा लोहे है समझे। अब इस लोड को कम करना बहुत जरूरी था। अब देखिए ना, ये यहाँ से भी आप दिल्ली घुस सकते हैं कि यहाँ से आने के बाद इस सड़क पर चढ़ जाइए, इसके बाद निकल जाइए यहाँ पर। ये आगरा वाला जो है, आगरा वाले से यहाँ चढ़ गया, ऐसे निकल सकते हैं। और इसमें से भी काम नहीं चल रहा था दिल्ली मुंबई का, तो इसमें बनाया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बिचवा में। तो ये करियक्का कौन सी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का सबसे एडवांस सड़क है। कितने लेन का है, 8, आने के लिए 8, जाने के लिए 8 लेन का सड़क। कितने लेन का? 8 लेन का सड़क। इतना भयानक, लेकिन फिर दुर्दशा कम नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सड़कों पर चढ़ने के लिए आपको गुड़गांव के पास जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है? गुड़गांव। गुरुग्राम नाम हो गया। अब गुड़गांव में पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो भरी हुई हैं गुड़गांव, नोएडा और गुड़गांव में कंपनी भरी पड़ी हैं सब। आप जितना भी कंपनी का नाम सुने हैं उसका पक्का ऑफिस या तो गुड़गांव में होगा या तो नोएडा में। चाहे कुछ भी ले लीजिए, LG, सोनी, कुछ पहन देखिए, अभी देखिएगा एप्पल का शोरूम खुला है तो दिल्ली के बीचों में थोड़े खोलेगा, गुड़गांव साइड में खोलेगा तो नोएडा साइड में। कुछ भी खोल देंगे, उसकी कंपनी कहाँ मिलेगी? नोएडा गुड़गांव में पक्का मिलने वाली है। तो अब वहाँ ट्रक कैसे घुसेगा? हर आदमी अपना गाड़ी लेके घूम रहा है। अब यहाँ पर एक सड़क बनाया गया दिल्ली के चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। क्या बनाया गया? पेरीफेरल, पूरे दिल्ली के चारों ओर वहाँ बनाया गया। और यहाँ इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? द्वारका। एयरपोर्ट से स्टार्ट करेगा, गुड़गांव तक जाएगा। कितने लेन का है पता है? 16 लेन। कितने लेन का? 8 जाने के लिए, 8 आने के, और दोनों साइड में एक एक तो सर्विस लेन, दोनों साइड में एक एक तो सर्विस। 8 लेन की सड़क बनने वाली, 16 लेन की, किसमें? 16 लेन। और हम लोग बिहार में, आप लोग गाँव में देखेंगे तो एक को सड़किया रहती है, यहीं पे जाना है, यहीं पे आना है, समझ में आ गया? बस यही एकदम चिकना हो जाता है। हाँ, अच्छा, इधर साइड साइड में दुकान रहता है, कोनो लड़का दौड़ जाएगा, ये ओके मम्मी पकड़े, अरे कचरा जी तो चल 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 चल, और कौन चीज चलाएगा आदमी उसमें। और एक्सप्रेसवे में चारों ओर से दीवार होती है, घोड़ा गधा कुछ नहीं आ पाता है। और एक्सप्रेसवे पे जो जानवर चढ़ गए, खत्म गए। साइकिल अलाउ नहीं होता एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे पे बाइक भी अलाउ नहीं होता, नहीं है, 2 व्हीलर अलाउ नहीं होता है एक्सप्रेसवे। कुछ कुछ एरिया होते हैं एक्सप्रेसवे में जिसमें जब सड़कें गुजरती हैं, तो कभी ऐसा होता है ना किसी बड़े शहर के पास से गुजर गए, तो कुछ कुछ एरिया में साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल तो कभी नहीं देखा, मोटरसाइकिल अलाउ कर देता है, अदरवाइज में उसमें नहीं अलाउ करता। उसमें गाड़ी चलाइए क्रूज कंट्रोल में, गाड़ियों में एक सिस्टम होता है क्रूज कंट्रोल, उसमें सेट कर दीजिए कि गाड़ी की स्पीड रहेगी 110, 120 मान के चलिए, एक्सप्रेसवे पे 120, तो उसमें सेट कर दीजिए 120, टेंशन फ्री, ब्रेक छोड़ दीजिए, क्लच छोड़ दीजिए, एस्केलेटर छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, स्टीयरिंग पकड़े रहिए, चलते रहेगा। कितना है? 120, अपने से 120। अच्छा, उसमें सड़क बदलना तो है नहीं, 8-8 लेन की सड़कें, 4 गो आने के लिए, 4 गो जाने के लिए, अपना 1 गो लेन पकड़ लीजिए, समझ में आ गया? उसमें 8 लेन होता है ना, तो 3 लेन आने जाने के लिए होता है, 1 छोड़ दिया जाता है कि कोई अगर बिखियाइले भाग रहा है तो भागो इधर से ओवरटेक के लिए, बाकी अपना 1 गो लेन पकड़िए, गाड़ी में डालिए कौन जी? क्रूज कंट्रोल, चुपचाप बैठल रहिए। दिल्ली में घुसिए, निकलिए कहाँ? मुंबई। अब वही यहाँ पे तो नहीं, भीड़ भाड़ में चलिए, दिल्ली में घुसिए गाड़ी लेके, रोना दीजिएगा तो कहिएगा दिल्ली और पटना में क्लच ब्रेक एस्केलेटर बंद हो जाएगा, तले पिछवा से कोनो ढब दे ठोक देगा, तो इसे देखिएगा तो कहेगा कौन चीज देखते रहो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तले सबसे खतरनाक करेगा सा हवा हवाई वाला, वो कहीं लेके घुस जाता है, गाड़ी हल्की भी होती है। तो दिल्ली मुंबई के बीच में क्या आ रहा है? एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है। दिल्ली मुंबई के बीच का, दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया। अभी दौसा तक स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा मुंबई तक भी 1-2-6-7 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए ये वाला कौन सा है? 3 याद हो गया, 8 तक एक्सप्रेसवे याद रहेंगे? बोलिए, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर श्रीनगर, कोलकाता दिल्ली, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, याद रहेगा? कितना सिंपल। इसको हटा के पूछे, शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग NH-1। दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई 8 है, 3 आगरा से मुंबई है, आगरा मुंबई 3, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी, दिल्ली मुंबई 8 तक बताए। अब मुंबई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो समझ ही गए, 3 और 8 के बीच से निकल, तीन और आठ के क्या हो रहा है 20 से निकल। हालांकि गवर्नमेंट इस पर बहुत विचार कर रही है, 3 और 8 के बीच में क्या निकाल रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर भी इतने ट्रक का लोड है इस पर, इतना ट्रक है इसमें, मतलब अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहे हैं तो रास्ते में कम से कम आपको 1000 ट्रक से मुलाकात होगी, 1000 ट्रक लोडेड। अगर पूरा तो यहाँ से यहाँ चल जाएगा 5000 मिल जाएगा, बस जयपुर और दिल्ली के बीच में घूमिए ना, जयपुर दिल्ली के बीच में इतने ट्रक है। तो इसके लिए भारत सरकार ने यहाँ एक रेलवे लाइनें अलग से बिछा दिया है, नाम है उसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड मतलब बस ओकरे लिए, फ्रेट मतलब मालगाड़ी, कॉरिडोर मतलब रास्ता। इसके बीच में क्या लेके चल गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या लेके जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट। इस पर केवल क्या चलेगी मालगाड़ी, ट्रेन चलेगी, और उस ट्रेन पे कौन वाली ट्रेन मालगाड़ी, मालगाड़ी वाली ट्रक चलेगी उस पर, अरे नहीं ट्रेन चलेगी उस पर, क्या चलेगी ट्रेन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC कहते हैं। और इस पे जो कंटेनर होगा वो डबल स्टेक कंटेनर होगा। कौन सा कंटेनर? डबल स्टेक कंटेनर। कहाँ पे चलेगी? DFC दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अरे इसको क्या हुआ है जी, आ गया? डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन इंडिया, ये एक ही जगह चलबे करती है DFCC पे। अब मोदी जी झंडा दिखा दिए, ये कहाँ जा रहा है? ये डबल स्टेक होता है कंटेनर, इसको उतार लिया जाता है एक जगह ले जाके। नहीं आया क्या जी? DFC है, दिल्ली मुंबई के बीच में चालू हो गया, लुधियाना से कोलकाता के बीच में भी चालू हो रहा है। कहाँ गया भैया? ये रहा। अब देखिए 3 ट्रक का सामान एक कंटेनर में आता है औसतन, 3 ट्रक का सामान एक कंटेनर में, ये औसतन उसका माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि उतारने ले कंटेनर का साइज पे भी डिपेंड करता है, छोटा एक और ये 2, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20, तो इतने दूर में हो गया। और ये ट्रेनवा जो होती है ना शेषनाग ट्रेन है, 1.5 किलोमीटर लंबी। भारत में कोई भी ट्रेन 700 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म 700 मीटर से लंबा नहीं है, इसलिए इसका एक अलग प्लेटफॉर्म में बना दिए। एक प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लंबा लगा के रखेगा उस पर। यहाँ पे बेहतरीन है कि नहीं? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसको जहाँ पे इसका कंटेनर, जहाँ इसका डिपो आएगा वहाँ उतार लेगा। डिपो से ये मशीन होती है ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, उसका साइज कंटेनर में बराबर होगा। ये मशीनवा का साइज जो होता है ना कंटेनर बराबर लगाएगा, ऑटोमेटिक हुक क्या हो जाता है, फंस जाता है, अल्ले आके से रख देगा। जैसे सिम कार्ड का साइज कैसे होता है, सेट हो जाता है। मेमोरी कार्ड देखते हैं इतना छोटा रहता है, सेट हो जाता है। ये दिल्ली मुंबई का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये क्रेन है, देख रहे हैं ये क्रेन जिसको JCB देखते हैं, PR का वाला देख लीजिए इसको। हाँ, इसको उठाएगा इधर और ये बंदरगाह तक चला जाता है। ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? बंदरगाह तक जाएगी, मुंबई बंदरगाह तक। कहाँ जाएगी? मुंबई बंदर। और ट्रेनवा पे से क्रेनवा उठाएगा और पानी वाली जहाज पे रख देगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ राजस्थान के लिए, हाँ राजस्थान से तो सब गुजर रहा है, राजस्थान में लोड बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में आगे बढ़ जाए, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समझ में आ गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी किसके बीच में बन रहा है? दिल्ली मुंबई हाईवे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग। बोलिए, इसको हटाएं।